भाइयों और बहनों, दिव्य आशुतोष जी, आदरणीय आदित्यानंद जी, नरेंद्रानंद जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम सभी यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व पर एकत्र हैं। अभी हम सब बहुत सुंदर रोचक संगीतमय प्रस्तुतियां देख रहे थे। आज शिवरात्रि है, रात्रि में ही शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है जानते क्या होता है? रात्रि दो ही लोगों के लिए होती है। जैसे अभी बताया कि बैगेजेस बहुत होते हैं, देखिए पावर भगवान ने सबको दे रखी है इक्वल, बस बैगेज सबका अलग अलग है। जिसपे बैगेज ज्यादा होता है वो रात्रि में भोग करता है, जिसका बैगेज कम हो जाता है वो योग करने लगता है। और इसलिए कहा जाता है जो भोगी होता है जब भोग अधिक रात्रि में करता है तो फिर वो रोग का शिकार हो जाता है, और जो योग करता है वो सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। तो भगवान शंकर योग के प्रतीक हैं, इसलिए शिवरात्रि है, रात्रि की साधना करते हैं। ये जो थर्ड आई है ये कहा जाता है ये खुलेगी तो संसार भस्म हो जाएगा, इसका अर्थ क्या है? और तीसरी आंख खोल के भगवान शिव ने सबसे पहले किसको भस्म किया था? कामदेव को। संपूर्ण संसार का मूल आधार कामना ही है, जहां से यह संसार की रचना शुरू होती है। जैसे यह थर्ड आई खुलेगी, इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, तो सबसे पहले वह कामना समाप्त करनी पड़ेगी। देखिए महाशिवरात्रि का पर्व है तो वास्तविकता तो यह है, ये वाचन करने का पर्व नहीं होता है, ये आसन करने का पर्व होता है, अर्थात यह व्यक्ति का नहीं अनुभूति का विषय है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिस दिव्य ज्योति को जागृत करने की दिशा में प्रयत्नशील है, जो पूज्य महाराज श्री आशुतोष जी महाराज की प्रेरणा से चल रहा है, वह यह बताता है कि अनुभूति के मार्ग पर आगे बढ़ो, क्योंकि बुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ के तो आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं। बुद्धिमान तो चोर और आतंकवादी भी हो सकता है, परंतु उसकी अनुभूति सही दिशा में नहीं होती है, इसलिए वह अनुभूति और अनुभूति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति यह महत्वपूर्ण विषय। और भगवान शंकर का स्वरूप तो दिखाता ही है कि तीसरा नेत्र, ये जिस कारण से भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति में स्त्रियों में बिंदी और पुरुषों में तिलक लगाने की परंपरा है, वो कुछ नहीं भगवान शंकर के उस तीसरे नेत्र का ही प्रतीक है। तो जब तीसरे नेत्र को जागृत करेंगे तो अलग प्रकार की अनुभूति होगी। तो मेरे विचार से ये जो पीस प्रोग्राम है कहीं ना कहीं ये भगवान शंकर के उस स्वरूप की दिशा में एक प्रयास है, और ऐसे और भी प्रयास होने चाहिए, व्यक्ति के उत्थान और समाज के उत्थान दोनों के।